क्या आप इस बार होली में घर जाना चाहते हैं लेकिन टिकट बुक नहीं करवाई है और सीट भी फुल हो गई है, तो फिकर नॉट। आज इस वीडियो के जरिए समझेंगे कि अगर लास्ट मोमेंट में घर जाने का प्लान कर रहे हैं तो किस तरह आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई के लिए विशेष किराए वाली स्पेशल ट्रेन शुरू की है। सबसे पहले बात मुंबई जयपुर रूट पर चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों की। 16 मार्च को ट्रेन नंबर 09039 मुंबई से जयपुर के लिए रवाना होगी। वापसी में 17 मार्च को ट्रेन नंबर 09040 जयपुर से बोरीवली के लिए रवाना होगी। रास्ते में ये ट्रेन सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, अबू रोड, फालना, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं मुंबई से राजस्थान के भगत की कोठी के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। 16 मार्च को ट्रेन नंबर 09035 बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी के लिए रवाना होगी। वहीं भगत की कोठी से ट्रेन नंबर 09036 बांद्रा टर्मिनस के लिए रवाना होगी। रास्ते में ये ट्रेन बोरीवली, सूरत, वडोदरा, मारवाड़, भीनमाल, जालौर, लूनी जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। दिल्ली से बिहार के लिए 12, 16 और 19 मार्च को ट्रेन नंबर 04048 आनंद विहार से रवाना होकर मुजफ्फरपुर जाएगी। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 04047 मुजफ्फरपुर से 13, 17 और 20 मार्च को आनंद विहार के लिए रवाना होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से बिहार के लिए चलाई जा रही ट्रेन नंबर 03133 15 मार्च को कोलकाता से रक्सौल के लिए रवाना होगी। वापसी में 16 मार्च को ट्रेन नंबर 03134 रक्सौल से कोलकाता के लिए रवाना होगी। वहीं मुंबई से बलिया के बीच भी एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो 7 मार्च से 30 मार्च तक हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन नंबर 01001 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बलिया के लिए रवाना होगी। वहीं 9 मार्च से 1 अप्रैल तक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ट्रेन नंबर 01002 बलिया से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी। वहीं यूपी, दिल्ली और बिहार के लिए चल रही ट्रेनें पहले की तरह ही चलेंगी। ये तो हो गई ट्रेनों की बात, अब आते हैं टिकट पर, क्योंकि बिना टिकट के आप ट्रेवल तो कर नहीं सकते। चलिए जानते हैं सस्ते में टिकट बुक करने का तरीका। अगर आप घर बैठे कम पैसे में टिकट बुक कराना चाहते हैं तो ईज माई ट्रिप जैसी वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं। इस पर आपको कैशबैक भी मिलेगा। अगर आप भी रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट बुक नहीं कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट irctc.co.in पर जाकर अकाउंट क्रिएट करें। इसके बाद IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अकाउंट लॉगिन करें, फिर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, फिर प्लान माई जर्नी ऑप्शन पर क्लिक करें, तारीख और ट्रेन का सिलेक्शन करें, ट्रेन की लिस्ट सामने आने के बाद तत्काल का कोटा सेलेक्ट करें। आपको पता चल जाएगा कि सीट खाली है या नहीं। सीट खाली है तो बुक नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद अपना नाम, उम्र, जेंडर टाइप करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, फिर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें। पेमेंट करने के बाद आपको अपना ई टिकट मिल जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि तत्काल की एसी टिकट सुबह 10 बजे से और नॉन एसी यानी स्लीपर क्लास के टिकट 11 बजे से ही बुक कर सकते हैं। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।